सभी का बचपन खास होता है। बचपन की जब बात आती है तो हम चाहे जिस मूड में हो, हंसी अपने आप छूट जाती है। और आपको बता दें कि बचपन की यादें अपने जहन में तो ऐसे ही ताज़ा हो जाती हैं। वो हंसखेलियाँ, वो खिलकारियाँ, वो मस्ती, वो शरारतें, वो लोगों से चोरी छुप के मस्ती करना, सब कुछ याद आ जाता है। कहते हैं कि अगर एक बार बचपन चला गया तो दोबारा लौट कर नहीं आता। सही कहा है किसी ने। जिस तरह से हमें आपको सभी को अपना बचपन काफ़ी स्पेशल लगता है, ठीक उसी तरह से हमारे भोजपुरिया स्टार्स के भी बचपन काफ़ी स्पेशल रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि हमारे भोजपुरिया स्टार्स बचपन में दिखते कैसे थे। तो शुरुआत करते हैं पावर स्टार पवन सिंह से। जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह काफ़ी गोलू मोलू थे और पवन सिंह को बचपन में लोग हनुमान कह के बुलाया करते थे। हनुमान क्यों कहते हैं, आप उनकी ये फ़ोटो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। भाई वो इतने गोलू मोलू थे कि लोग उन्हें हनुमान कह के बुलाया करते थे। खैर, शायद इसी से इंस्पायर होकर लोगों ने आगे चलकर उनका नाम पवन रखा। पवन हो या हनुमान, मीनिंग तो सेम ही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे अक्षरा सिंह पर। जी हाँ, अक्षरा सिंह कभी पवन सिंह के दिल में रहती थी, लेकिन आज हम आपको बता दें कि अक्षरा सिंह का बचपन भी काफ़ी स्पेशल था। अक्षरा सिंह अपने पापा की लाडली दुलारी थी और अपने पापा की वो आज भी लाडली दुलारी हैं। भाई देखिए उनके बचपन की तस्वीर, वो अब जितनी खूबसूरत लगती हैं, बचपन में उतनी ही ज़्यादा क्यूट लगती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं आम्रपाली दुबे की तरफ। आम्रपाली दुबे को लोग बचपन में पल्लू बुलाया करते थे। आम्रपाली खुद ही एक इंटरव्यू में बताती हैं कि मैं अपनी मम्मी की पल्लू पकड़कर हर जगह ही जाया करती थी, उनका पल्लू छोड़ा ही नहीं करती, इसलिए लोग मुझे पल्लू बुलाया करते थे। लेकिन खैर, आज हम आपको उनके बचपन की तस्वीर दिखाते हैं, देखिए कितनी प्यारी लगती हैं वो। अब बढ़ते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ की तरफ। दिनेश लाल यादव निरहुआ और प्रवेश लाल यादव का साथ बचपन से ही ऐसा था कि उन्होंने ये साथ कभी नहीं छोड़ा। जिस तरह वो आज दोनों एक हैं, ठीक बचपन में भी ऐसे ही थे। आप देख लीजिए इन दोनों की तस्वीर, जो कि काफ़ी प्यारी और काफ़ी एडोरेबल है। अब आगे बढ़ते हैं रानी चटर्जी की तरफ। रानी चटर्जी का भी बचपन बड़ा ही प्यारा था। हम आपको बता दें कि रानी चटर्जी अपने बचपन में बहुत खूबसूरत लगा करती थी। रानी कहती हैं कि उनका बचपन बहुत ही स्पेशल था, वो बहुत ही शरारती थी। खैर, वो ऐसे भी लगता है। आगे बढ़ते हैं काजल राघवानी की तरफ। तो भाई, काजल राघवानी की फ़ोटो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, क्योंकि ऐसी फ़ोटो तो किसी एक्ट्रेस की ही हो सकती है। अब बढ़ते हैं खेसारी लाल यादव की तरफ। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास खेसारी की कोई बचपन की तस्वीर तो नहीं है, लेकिन हम आपको थोड़े से जो खेसारी बड़े हो गए हैं, यानी कि बचपन से थोड़ा सा जो बड़ापन होता है ना हमारा, आप देख सकते हैं कि खेसारी काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर ये बता रही है कि खेसारी अपने जीवन से कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यकीन है आपको हमारी ये रिपोर्ट बहुत पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।